यूनिटरी मैथड यानी एक एक नियम। क्या है ये एक एक नियम, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, हमारे मूलभूत जीवन में कैसे ये महत्व रखता है एक एक नियम। तो दोस्तों, चाहे वो मेल हो या फीमेल, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, हर इंसान को अपना घर चलाना पड़ता है और घर चलाने के लिए आपको साबुन, तेल, धनिया, मिर्चा, इन चीज़ों को खरीदना पड़ता है। और जब इन चीज़ों को खरीदना पड़ता है तभी आपका आ जाता है यूनिटरी मैथड। छोटे से बच्चों को जब आप दाखिला दिलाते हैं क्लास में तो एक दो साल बाद उनको यूनिटरी मैथड पढ़ाया ही पढ़ाया जाता है। तो आइए हम समझते हैं यूनिटरी मैथड यानी एक एक नियम क्या होता है। देखिएगा, एक एक नियम, एक एक का मतलब यानी कि एक, यहाँ पर एक से संबंधित है यानी कि यूनिट एक का। देखिए, जब भी आप किन्हीं चीज़ों को खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको जब उसकी मात्रा कम या ज़्यादा करनी पड़ती है एक से, तब वहाँ पर उनमें आपको या तो गुणा करना पड़ता है या तो भाग, दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आप गुणा करेंगे या तो आप भाग करेंगे, दो में से एक करना ही होगा। जैसे अगर आपको एक किसी एक चीज़ का मान पता होता है, जैसे आपको पता है कि एक किताब की दाम, एक किताब की वैल्यू आपकी अगर 50 रुपये है, तब आपसे अगर पूछा जाए कि 10 किताब की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, तुरंत यहाँ पर एक जीरो चिपका देंगे यानी कि 500 रुपये होगा। तो आपने क्या किया कि एक का, एक की वैल्यू आपको मालूम थी, इसलिए आपको उससे ज़्यादा वैल्यू जब भी पता करनी होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसे चाहे जो हो, अगर आपको एक की वैल्यू आपको पता होगी तो आप कितने का भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि आपको ज़रूरत पड़ती है। अब ठीक इसका उल्टा होता है कभी कभी, क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर आपको बता दिया गया कि 50 किताबों की कीमत आपकी 1000 रुपये है, अब यहाँ पर आपको क्या हो गया, इसका ठीक उल्टा हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। यहाँ पर आपको एक का मालूम था और यहाँ पर 50 किताबों की वैल्यू आपको 1000 है, और आपको बता दिया गया है और आपको 5 किताबों की वैल्यू खरीदनी है, कितनी यानी 5 किताब खरीदनी है, तो 5 किताब की कीमत क्या होगी। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप गुणा किए थे, अब यहाँ पर आपको ठीक उसका उल्टा करना है, यानी कि सबसे पहले एक किताब की वैल्यू पता करिए, और एक किताब की वैल्यू पता करने के लिए चूंकि यहाँ पर 50 का पता है तो 50 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और जब डिवाइड करेंगे 5 × 10 यानी कि 20, यानी कि एक किताब की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पर आ गया 20। अब 5 किताब की वैल्यू पता करनी है तो 5 × 20 हो जाएगा, 20 × 5 = 100। तो यही दोस्तों एक एक नियम होता है। एक एक नियम में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो गुणा करना होता है या तो भाग करना होता है। अब अगर आपसे यहाँ पर कह दिया जाए कि आपको 25 दर्जन केले का मूल्य आपको दिया गया कि 250 रुपये है, और आपको कितने दर्जन खरीदने हैं, 6 दर्जन खरीदने हैं, तो 6 दर्जन की कीमत, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक दर्जन की कीमत, यूनिटरी मैथड यानी यही कहता है कि सबसे पहले एक का आप पता कर लीजिए, फिर चाहे जितनी भी क्वांटिटी में उसको खरीदना हो या उसकी वैल्यू निकालनी हो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 25 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 10, और फिर 6 की वैल्यू निकालनी है, 6 दर्जन की, तो 6 × 60, तो ये आपके 60 रुपये निकल आएंगे। तो यही होता है आपका यूनिटरी मैथड।